थी तो आज जिम्मेवारी आपने दिया है, मैं कहना चाहूंगा कि इस जिम्मेवारी से हम लोग निभाने का हम पहले भी कहते थे अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी भी सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके लिए लगातार हमारी ऐतिहासिक कार्य भी किए लगभग 4 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है देश के अंदर हम लोगों ने देने का काम, इससे बड़ा काम आज तक किसी भी देश के राज्य सरकार ने नहीं की और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहे। हम सब लोग ने कमिटमेंट किया था उस चीज को हम लोग पूरा करें और आप लोगों का इसी प्रकार से आशीर्वाद उठा के मिले तो मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को हम पुनः धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और क्योंकि आज का दिन कई कार्यक्रम है और भी जगह है तो ज्यादा है कार्यक्रम। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे, यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के मद्देनजर अब चीजों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है। दिल्ली में बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है, अपने सहयोगियों को भी बुलाया जा रहा है, चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह मुझे बुलाए हैं कि जो भी होना होगा एक दो दिन में हो जाएगा। इन ऐसे हालात में आप लोग जो जेडीयू छोड़ के आए थे उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जो भी स्टेप नीतीश जी लेंगे उनकी मुश्किल, उनके लिए और मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में, वो चाहे इधर रहे उधर रहे। बाकी हम लोग के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग कोई मुश्किल आपको नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता में एनडीए का वोटर हो या महागठबंधन का हो नीतीश जी के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होते जा रहा है, लोग उनके इमेज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हर एक साल के बाद जो उनका दोस्त होता है वही उनका दुश्मन बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं ना कि अब ऐसी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद उनके एमपी एनडीए गठबंधन में यदि आते हैं तो उनके एमपी जो जीत कर आएंगे फिर नीतीश कुमार जी कहां लेकर चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो इन तमाम सवालों के मद्देनजर विचार करना पड़ेगा ना। आप लोग क्या चाहते हैं सर, क्योंकि आप एनडीए के सहयोगी हो तो आप बनेंगे या बनने वाले हैं, लेकिन आप तो सहयोगी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, हम ने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो डिसीजन उनको लेना है। लेकिन इन तमाम सवालों को देखते हुए, तमाम परिस्थिति के मद्देनजर कि बीजेपी की मदद से उनके नीतीश जी के लोग जीत भी जाएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद आवश्यकता पड़ी तो महागठबंधन में नहीं चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो इस बात पर भी विचार करते हुए तब कोई चीज हो, हम तो यही चाहेंगे। एक अंतिम सवाल सर, इस बार वो क्या क्या लगेंगे? पिछले बार उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जो है करप्शन का चार्ज है, सब कुछ है। इस बार जो दिख रहा है कि आरजेडी सिलेंडर मोड में है, जो कह रहे हैं सब मान रहे हैं, अभी तक किसी तरह का व्यक्तिगत तौर पे किसी दोनों पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाया गया, और ऐसे में सरकार से हटते हैं तो फिर वो जनता के बीच क्या कहने जाएंगे? अभी यही तो बड़ा सवाल है कि क्या कहेंगे, क्योंकि जो जो तर्क हो सकता था तमाम तर्क पहले वो दे चुके हैं। अब इस बार वहां से हटेंगे तो क्या तर्क देंगे, मुझको लगता है कि कुतर्क भले कुछ दे देंगे, तर्क तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये इनके अंतिम पॉलिटिकल उलटफेर की पारी है, आप मानते हैं? देखिए, अब तो उलटफेर करें ना करें, अब आगे उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल सा है। तो इसलिए अब कहां कोई फिर
अभी करेंगे फिर बाद में करेंगे, इसका कोई मामला नहीं है। अब इनके सर्वाइवल पर ही प्रश्न चिन्ह है, जितना दिन और इनकी पार्टी चल रही है।